ने वो थे ना, क्या थे, नाइक मारे, वो यार बढ़िया आदमी थे, पता है वो लखनऊ आ गया, हम बस जीवन को बुरा बना सोच रहे थे यार, लेकिन वो अच्छे आदमी निकले। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि तारीख है आज अपनी 18 नवंबर 2023 और समय हो रहा है दोस्तों सुबह के, कितना हो रहा है, सुबह के हो रहे हैं 10:45। जी हाँ दोस्तों, 11:15 बजने वाला है यार। आज हमको ना भाई काफी लेट हो गया यार घर से निकलने में, मतलब 10:30 हमको घर से निकलने में बज गया था यार। फिर हम तुरंत निकल के यार सीएनजी पंप है, 500 रुपए की गैस जलाई, तो गैस भी यार अपने में लगभग इतनी जो है हो चुकी है, इतनी है ना, ठीक ठाक हो गई है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट फुली है। बस जो टूल के गिरने वाली जैसी सुई हो जाती है ना, बस वो नहीं है यार, तो वो 500 में थोड़ी ना हो पाएगी, एक ही पॉइंट गैस थी यार, है ना। तो अभी ना यार दोस्तों मैं बता दूं आपको कि डिवाइस भी अपनी ऑन है, ठीक है, और राइड भी अपने पास एक आई थी यार, लेकिन पता उसका जो पिकअप था ना भाई, वो हमको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से ना भाई वो आउट स्टेशन की राइड थी लखनऊ की, हम आपको दिखाए भी दे रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे ना एक चमनगंज एरिया है यार, वहाँ से आई थी, वो थोड़ा कंजेस्टेड ज़्यादा एरिया यार, है ना। तो इसकी वजह से भाई ना वो हम ये देख सकते हैं, ये है ना गुलशन मैरिज हॉल चमनगंज के अंदर थी, तो भाई हमें ही ने इसको यार कैंसिल किया है, क्योंकि यार फिर ना दिक्कत होती है यार, कंजेस्टेड एरिया में फंसने से कोई मतलब नहीं होता है ना ब्रो। तो अभी ना यार देखते हैं, ये वाली राइड तो कैंसिल कर ही दी है पिकअप के चक्कर में, बाकी देखते हैं दूसरी कोई आ पाती कि नहीं आ पाती, और अगर आएगी ना तो मैं तुरंत आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी चलते हैं बिजन स्वरूप पार्क, चाय वाय पीते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं काम का सीन कैसा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, जैसा भी होगा मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस मैं बता दूंगा आप लोगों को कि जैसा अपना कल का सिस्टम हुआ था ना, सेम वही चीज हुई है, मतलब कि पहली राइड तो यार हम ही ने कैंसिल कर दी लखनऊ की, ठीक है, चूंकि वो पिकअप अच्छा नहीं था, मैंने बताया भी आपको। तो अपने पास जो दूसरी राइड आई है वो आई है भाई लखनऊ का रिटर्न ट्रिप, वो भी 10 घंटे की, कल आई थी 8 घंटे की, आ जाइए 10 घंटे की, कल आई थी प्राइम की, आ जाइए है मिनी की दोस्तों। और कल का जो किराया था ना वो भाई 3,985 रुपए दिखा रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया अभी था, राइट। आज का किराया आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, हम फोन को ना नीचे इधर रखते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये किराया दिखा रहा है भाई आज 3,360 रुपए का। हम ये सोच रहे हैं कि कल जब 3,985 दिखा रहा था तब आया था 3,300 रुपए, आज दिखाई 3,300 रहा है, कितना आएगा, 2,700 रुपए है भाई, कैलकुलेशन तो यही कह रहा है कि कल 3,900 दिखा रहा था, 3,900 क्या है, 3,980, मतलब लगभग 4,000 दिखा रहा था, तब 3,300 आया था, 700 कम, आज 3,300 दिखा रहा है, तो इस हिसाब से तो 2,600 आएगा। अबे भाई आज का जाने में हमको बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन पता है यार ऑलरेडी हम एक राइड ना कैंसिल कर चुके हैं, वो भी आउट स्टेशन की, तो हम नहीं चाह रहे हैं यार कि मेरी डिवाइस खराब हो। और इसमें बस अच्छी चीज़ यही रहेगी कि लखनऊ जाके ना इस टाइम पे वेटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो ये वाली राइड लेके जाने से हमको ये प्रॉफिट रहेगा कि वहाँ जाके खड़े ही हो जाना है यार, और सीधे वहाँ से लेके चले आना है भाई, राइड का वहाँ पे ये दर्द नहीं रहेगा कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लगी रहेगी, है ना, बस ये प्रॉफिट हो जाता है यार रिटर्न ट्रिप का। खैर बाकी कोई नहीं, अभी ना टाइम जो है दोस्तों वो 11:05 है, तो वेट करना है लगभग 12:15-12:30 तक, क्योंकि जो इनका पिकअप टाइम है वही 12:15 का है, और अभी इनसे बात भी हुई है तो 12:30 का ये बोल रहे हैं सर कि 12:30 तक निकलेंगे, तो मैं भी यार देखिए क्या होता है, 12:30 पर निकलेंगे, 12:30 से 1, 2, 3 बज जाएगा पहुंचने में, फिर और ये रात लगा दे आने में, आज हिलने लगे तुम्हारे भाई के, आज पैसा भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि मिनी की राइड है, क्या किया जाए, जाना तो पड़ेगा गुरु, है ना। कभी कभी ये फर्जी वाली चीज़ें भी करनी चाहिए यार, पता है, क्योंकि रोज़ तो मतलब अच्छी अच्छी राइडें आपको नहीं मिल सकती ना, कभी कदार यार ऐसी वैसी, मतलब ठीक है बाकी पैसा तो बचेगा इसमें भी यार, है ना ब्रो। तो बाकी कोई नहीं, वेट करता है, जैसा होता है मैं बताता हूँ, इसका बिल देखने वाला रहेगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मिनी और प्राइम में क्या फर्क है आउट स्टेशन के रिटर्न ट्रिप के बिल में, ठीक है दोस्तों। आगे मत बढ़ाइएगा यार ना, अच्छा नहीं लगता, पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। अभी तो चौक चल रहा है भाई, चौक चौक में आज हमारे घूते घूलेंगे चौक। गाइस कस्टमरों का कहेंगे या खेलने वालों का कहेंगे, किसी ना किसी का तो हरामीपना है ही है, और हरामीपना ये है कि भाई 11:00 वो वाली राइड आई थी ना, और 12:30 का पिकअप था, बात बात सब हो चुकी थी, हमने बताया भी था आप लोगों से, और वो ना भाई साहब कैंसिल हो चुकी है, मतलब हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो भाई आप ब्राइटनेस कम है क्या इसकी, ये देखो भाई कैंसिल ही हो गई, वरना वो वाली स्क्रीन अलग ही दिखती, पता ही आप लोगों को, ये देखिए इस पर क्लिक किया, ये देखिए कैंसल्ड बाय कस्टमर, दो राइडें कैंसिल हो गई, एक हमने कर दी यार, एक कस्टमर ने कर दी, बताओ 11:30 पे करी यार, आधे घंटे की ऐसी तैसी कर दी है, और उसके बाद जो है फिर कैंसिल कर दिया यार।
ये चल रहा है लाइफ में, समझ रहे हो भाई। पूरा आधा घंटा खराब कर दिया, राइड कैंसिल का कैंसिल हुई, पूरी बहनी खराब हो जाती है, पता है कैंसिल हो जाती है तो यार सुबह सुबह। खैर कोई नहीं, अभी ना 11:36 है तो देखते हैं दोस्तों तीसरी राइड अपने पास कितनी देर में आती है, आती भी है या नहीं आती है, कि डिवाइस घुस जाती है। ठीक है तो दोस्तों बात ये है ना यार कि राइड अपने पास नहीं आ रही है, बैठे बैठे काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मतलब 14:45 यार 2:45 हो गया भाई, 3 बजने जा रहा, पूरा दिन खराब कर दिया हमने यार, बताओ यार कितनी गलत बात है ना। दोस्तों हम क्या सोच रहे हैं कि लोकल ही चलाएं यार, कुछ गैस का तो पैसा 500 रुपये निकाल ही लें कम से कम, जो सुबह डलाई थी, है कि नहीं, ऑन ही कर लेते हैं यार, क्या कहते हो, ऑन ही कर लिया यार, है ना। ये देखो अप्लाई कर दें, कम से कम लोकल तो आएगी यार, आउट तो आ ही नहीं रही है, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। बताओ 3 दिन यार काम हुआ और उसके बाद फिर से यार देखो आज का दिन खराब होने जा रहा है, कुछ भी कहो यार दिक्कतें तो हैं। अब ये 3 किलोमीटर से राइड आ रही है, देख रहे हो 3 किलोमीटर से, कौन जाए 3 किलोमीटर। देखिए दोस्तों हम आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, कभी भी आप लोकल चलाओ ना तो 2 किलोमीटर के अंदर का ही पिकअप उठाओ, वरना फिर आपको बचत नहीं दिखेगी, क्योंकि आप पता चला 3 किलोमीटर लेने जा रहे हो, फिर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कस्टमर जाएंगे, तो कस्टमर की तो गलती नहीं है इस पे, लेकिन यार अपन अगर 3 जाएंगे फिर उसको 2 ही जाना है, 5 किलोमीटर बिल आएगा 60-70 रुपये 80 रुपये, है ना, 2 किलोमीटर का, क्योंकि बिल तो 2 ही किलोमीटर का आएगा, तो फिर उसमें नुकसान होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हद से हद 2 किलोमीटर, इससे ऊपर बिल्कुल मत जाइए, ठीक है दोस्तों। और बाकी ना लोकल तो ऑन कर ही लिया है, देखते हैं कोई ठीक ठाक राइड आए तो फिर शुरू करते हैं यार सिलसिला अपनी लोकल राइड होगा, ठीक है। बाजीगर मेरा नाम गोगा। देखो दोस्तों ये वीरेंद्रपुर पार्क है, ये फुटपाथ है और पता नहीं क्या है। दोस्तों बात ये थी ना कि हमने लोकल तो ऑन करी थी और फिर से हमने बंद कर दी थी, मन नहीं करता यार कभी कभी लोकल चलाने का, पिछले 3 दिन से आप देख ही रहे हो यार कंटिन्यूसली तुम्हारा भाई कमा ही रहा है ना, और साथ ही में ना एक फिर से आई है यार एक बार फिर से आई है। देखिए दोस्तों ये सारी चीजें ना आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब ये जिस तरीके का नाम है ना, बस नाइट मारे क्यों डे मारे क्यों नहीं, तो यार ये राइड आई है और ये जो महोदय हैं सज्जन, ये भाई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है मेरी जान। तो राइड तो लगी है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं, लखनऊ की राइड है, 2300 रुपये बिल दिखा रहा है, प्राइम की राइड है और ये सिर्फ लखनऊ लिखा है, इस वजह से हमको थोड़ा सा ना ज्यादा डाउट है इस राइड पे, राइट, क्योंकि अगर ये नॉर्मल कहीं एग्जैक्ट कोई लोकेशन पड़ा होता तो फिर इस राइड पे डाउट नहीं होता, तो मे बी ये भी अभी कैंसिल हो जाएगी। ये फंसाने के तरीके होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है, इस नाम का ना जल्दी राइड वाइड नहीं आती है, ठीक। और फंसाने के चक्कर में देख लो आप 4:45 पे किया हुआ है और ये राइड आए हुए हैं मेरे पास हो गए लगभग 20 मिनट, ठीक है। तो यही सीन है यार, बताओ क्या ही मिलता है लोगों को, लेकिन वही चीज़ है ना, दूसरों की डिवाइस, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती आजकल लोगों से, समस्या है ये, दूसरों के पास पैसा आ रहा है ये लोगों को हजम नहीं होता है, समझ रहे हो। देखो दोस्तों बात ये कि ये कैंसिल होनी है, कंफर्म कैंसिल होनी है, 110% होनी है, ये चीज़ हमको पता है, और इसके बाद ना मैं घर निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे एक फंक्शन भी अटेंड करना है। तो अब ये वाली राइड अगर सही होती है, वैसे होगी नहीं बिल्कुल, ठीक है, 1 रुपए की उम्मीद नहीं है हमको कि ये सही होती है, लेकिन अगर होती है तो लखनऊ चलेंगे, अगर सही नहीं होती है तो कैंसिल करके या कैंसिल अपने आप हो जाएगी तो फिर घर चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो घर चलेंगे, फिर हमको फंक्शन अटेंड करने जाना है, फिर जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। आज का दिन कुल मिला के ना खराब ही हो गया, 15:48 मतलब 3:48 बजने को है दोस्तों और दिन पूरा हिलने लग चुका है, बाकी आज उम्मीद तो हमको नहीं लग रही कुछ अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि सुबह से खराब ही हो रहा है। हमने बताया था ना सुबह भाई, अगर सुबह की राइड कैंसिल हो गई तो बोनी खराब तो दिन खराब, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आखिरी सांस तक देखेंगे, क्या पता पैसा आ ही जाए, और नहीं आएगा तो फिर तो यार जो प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ये चीज़ आपको ऑलरेडी हमने बता रखी है, ठीक है दोस्तों। बाकी जैसा होगा मैं बताऊँगा आपको, और कुछ नहीं, आज हमें लग रहा फंक्शन का खाना पे लूँगा मैं, पनीर तंदूरी रोटी चाट बताशे, चलो ठीक है दोस्तों। दोस्तों यार मैं बता दूं आपको, सीट बेल्ट हटा के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ना यार मैं बता दूं आपको, जो अपने वो थे ना, क्या थे, नाइट मारे, वो यार बढ़िया आदमी थे, पता है वो लखनऊ आ गए यार, हम बस जी में उनको बुरा भला सोच रहे थे यार, लेकिन वो अच्छे आदमी निकले, मतलब हम लखनऊ आ गए यार। देख सकते हैं हम अमौसी एयरपोर्ट के सामने मेट्रो के नीचे खड़े हैं यार, क्योंकि हमने छोड़ा एयरपोर्ट के जस्ट सामने एक अल्मोड़ा होटल था ना वहां पे, ठीक है। और जो बिल अपना आया ना वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए 1669 रुपये का बिल भाई, राइड कंप्लीट हो गई, बाबा की दया से दिन तो हमको खराब होने वाला लग रहा था 19:17, लेकिन भाई 7:17 हो चुके हैं, जिस टाइम पे भाई साहब आदमी लखनऊ से कानपुर जाने की सोचता है उस टाइम पे वापस यहाँ पे आए हैं लखनऊ में, लेकिन कोई नहीं यार पैसा तो आया ना कम से कम। ये देखिए दोस्तों बिल टोटल, अब हम आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल आया था 1772 रुपये, ठीक है,
था तो ज्यादा, लेकिन यार वो कूपन ऊपन लग के ना 1772 रुपये आया था, जिसमें कि ऑपरेटर हम लोगों को मिला है टोटल 1568 रुपये 67 पैसे प्लस 100 रुपये का डेली अलाउंस, तो हो गया अपना कितना 0.5 के बाद यार दूसरी डिजिट आ जाती है ना, तो इधर अपना हो गया 1669 रुपये। इस राइड पे भाई टोल नहीं ऐड हुआ है, ठीक है ना, और टोल ऐड हुआ नहीं तो हमने अलग से ले लिया, ठीक है। तो ले देखे ना अपना 1669 रुपये का यार अपना वो है, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर बिल, ठीक है। और मैं भी अमौसी एयरपोर्ट के जस्ट सामने खड़ा हूँ, तो अब देखना ये है कि रात में हम लोग घर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। मे बी यार उम्मीद तो रहेगी कि चले ही जाएं, अभी हम इन ड्राइव में भी देखते रहेंगे यार, अगर हमको कोई 1000-1200 की राइड मिल जाएगी ना भाई तो हम निकल जाएंगे यार, क्योंकि हमको ना रात रुकने का मन है नहीं, सर्दी लगेगी, एक शर्ट पहने हुए और रात में सर्दी होने लगी है ना ब्रो, तो यार बस वेट करते हैं और देखते हैं क्या सीन रहेगा, आ तो गए जा पाते हैं कि नहीं, ठीक है दोस्तों। यार दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रात के ना भाई साहब 10:36 हो गया है, ये देख सकते हैं आप 10:36, और ये भी देख सकते हैं आप 10:36, तो 10:30 बज चुके हैं, और अपने पास ना यार सिर्फ एक राइड आई है अभी तक की, अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले, और वो भी फेक थी, ठीक है, प्राइम की राइड थी और फेक थी, तो अभी तक ना यार कोई भी राइड आई नहीं है, तो दिमाग तो ख़राब हो ही रहा है यार, घर भी जाने का मन कर रहा है। देखो यार पता है 12 बजे तक देखेंगे, अगर 12 बजे तक आ गई तो टू गुड, और नहीं आई ना तो फिर निकल चलेंगे हम लोग सीधा यार, है ना, वही ज़्यादा सही है, रात में रुकेंगे नहीं यार, हमको दिक्कत होएगी बहुत ज़्यादा। और एक रीज़न और भी है, वो आपको पता चलेगा कल के वीडियो में कि हमको क्यों जाना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ना यार वेट करते हैं, अभी 10:37 है, ठीक है, 10:36 हो गया, तो करते हैं थोड़ी देर और बाकी फिर देखते हैं, नहीं होगा तो फिर निकलेंगे यार एक आध दो सवारी तीन सवारी डाल के, ठीक है दोस्तों। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि रात के ना यार 11:30 बज चुके हैं, 11:34, जी हाँ दोस्तों 11:34 हो गया भाई 11:30, और यार मैं ना गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि मेरे सबर का जो बांध है ना वो टूट चुका है, और भाई ले देंगे ना हम लोगों ने आज टोटल कितना कमाया मैं दिखा रहा हूँ आपको, बस यही 1669 रुपये, जी हाँ दोस्तों 1670 रुपये अपने कमाए हैं हम लोगों ने, 11:34 हो चुका है, और मैं ना यार सोच रहा हूँ कि अब घर निकला जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता, रात में काली कर नहीं सकता, और इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था आपसे कि भाई आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ले देखें ना, अगर हम लोग ये देखें कि आज की अपनी बचत कितनी आएगी, तो 1669 का ये है, 650 की गैस लगेगी, 700 भी अगर आप मान लो तो बचेगा 950, वापसी का टोल जेब से लगाएंगे 50 रुपये का, तो वो बचेगा अपना 900 रुपये। ले देखे भाई आज का दिन खराब ही रहा यार, शुरुआत भी खराब हुई थी और एंड भी खराब ही हो रहा है, अब खाली जा रहा है यार तो खराब ही है कि नहीं ब्रो। ले देखे 900 रुपये बच पाएगा, इससे अच्छा तो यार हम नहीं आए होते, लेकिन नहीं आए होते तो ये 900 भी नहीं बचता है ना भाई। चलते हैं यार देखते हैं पुराने टर्मिनल के पास में, अगर एक आध दो राइडें मिल जाएंगी तो अपना जो 900 है वो 1100-1100 हो जाएगा, और नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं यार, जैसे प्रभु की इच्छा, कोई बात नहीं, 900 से भी गुजारा कर लेंगे आज के दिन, है ना ब्रो। तो चलते हैं सीधा घर, समय को ख़राब नहीं करते हैं और मिलते हैं कल। बाकी चैनल को अगर दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मुलाकात होगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।